दोस्तों, अगर आपने हमारा फाइबर डॉक्टर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल का आइकॉन है इस पर क्लिक करने से हमारे चैनल की जो अपलोड होंगी आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। आज हम फाइबर के एक्सचेंजेस, माइक्रोवेव की एक्सचेंजेस और ट्रेडिशनल नेटवर्क की एक्सचेंज पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फाइबर की मेन एक्सचेंज है वो हमारे पास है जो यूजर साइड पे जो चलती है हमारे पास डिवाइस से कहते हैं OLT ऑप्टिक नेटवर्क टर्मिनल। ये यूजर साइड पे लगता है जहाँ वो इस पे आपके 1 GB तक डाटा आप रिसीव कर सकते हैं, यानी कि 1000 MB तक। ये जो हमारे पास सिस्टम है एक है PDH फेरिक्रोनियस डिजिटल हायरार्की, ये एनालॉग डिजिटल है। और उसके बाद हमारा जो बाद में सिस्टम आया 2000 के बाद तो वो हो गया डिजिटल सिंक्रोनियस डिजिटल हायरार्की। ये फुल क्या है फॉर्म के साथ, डिजिटल फॉर्म के साथ आया 0.1 की लाइब्रेरी के साथ। और ये हमारे पास इसकी जो है 6 GB तक आसानी से हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। आखिर में तीसरा पॉइंट हमारे पास है जो था ऑप्टिक लाइन टर्मिनल। ये क्या है जो यूजर की एक्सचेंज है, ये है, ये क्या है MSAC और MSAN से डेटा ले जाती है और क्या है इसको आपस में सिंक्रोनाइज करती है, डेटा शेयर करती है, वॉइस शेयर करती है या जो सर्विस आप मौजूद है वो हम देते हैं। एक है हमारे पास MSAC मल्टी सर्विस एक्सेस गेटवे, इसे हम कहते हैं ट्रिपल प्ले, वॉइस डाटा और क्या हो गया स्मार्ट टीवी, ठीक है जी। उसके बाद MSAN ये इंडोर रिलेट होता है, इसको आउटडोर के लगाते हैं, इसको इंडोर, लेकिन इसमें दो सर्विस होती हैं वॉइस डाटा, इसमें मल्टी सर्विस एक्सेस गेटवे कहते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास मोबाइल की मैंने 3 एक्सचेंजें लिखी हैं, MSC मेन स्विचिंग सेंटर, BSE बेसिक स्विचिंग सेंटर और BTS जो मोबाइल आप जो यूजर हैं वो BTS के यूजर हैं जो बेस ट्रांसमिशन स्विचिंग सेंटर कहलाता है। ये आपके छतों पे जितने टावर लगे हुए हैं ये छोटे छोटे BTS हैं, इनकी रेंज 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, ये बैंड के हिसाब से रेंज रखी जाती है। आगे चले कॉपर एक्सचेंजेस ट्रेडिशनल नेटवर्क, क्या है फाइबर सॉरी कॉपर एक्सचेंज की बात हो रही है उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क, ओल्ड नेटवर्क। उसमें क्या था पहले RDBS जो आपकी रूरल ब्रांच होती थी, ब्रांच एक्सचेंज होती थी जिसे आप क्या कहते हैं इंटरनेटल इंटर एक्सचेंज भी कहते हैं। EMD ये हमारे पर रोटरी डायल वाली, ठीक है, एनालॉग एक्सचेंज होती थी, 3 डिजिट में आती थी। और उसके बाद NWD नेशनल वर्ल्ड डायलिंग जिसे आप पाकिस्तान के अंदर 0 कोड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी जो हमारे पास है गेटवे, इसे हम कहते हैं ISD एक्सचेंज जिसे आप डिजिटल एक्सचेंज के नाम से अपना गेटवे में नाम से पुकारते हैं। जब हमने 00 के साथ यूके जब किसी दूसरे मुल्क में जाना है तो 00 डायल करते हैं, वो हमारे पास गेट पे हमें इजाजत देता है, तब हम कहीं दूसरे मुल्क में बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है ट्रेडिशनल नेटवर्क, ये हमारे पास आ गया मोबाइल नेटवर्क एक्सचेंजे और ये हमारे पास जो फाइबर की न्यू टेक्नोलॉजी है वो इसकी एक्सचेंजे ये है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारा पूरा आज के दिन का समरी थी। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।